दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज बाजार वापस से बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं और इस बाजार में जो एक गिरावट दिख रही है दोस्तों, ये वीडियो में लगभग आप कह सकते हैं 12 बजे बना रहा हूं और ये गिरावट और भी ज्यादा सीवियर हो सकती है स्टॉक मार्केट के बंद होते थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, प्लस इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है, क्या वापस से एक बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट में शुरू हो चुकी है, और यदि हाँ तो कौन से वो लेवल्स है जहां पे हमारी नजर रखनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर वो टूटते हैं तो आप एक बड़ी गिरावट देखेंगे। तो इस तमाम चीजों के साथ साथ आने वाले हफ्ते में दोस्तों, वो कौन सा सबसे बड़ा कैसे थे इवेंट है जिसपे लोगों की नजर है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको निफ्टी की तरफ। देखिए, 1% से ज्यादा की वापस से गिरावट दिखाई देने को मिल रही है दोस्तों, और ये लगातार दूसरा सेशन है दोस्तों, ठीक है, ये लगातार दूसरा सेशन है जब आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 5 दिनों की अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें गिरावट, तो आप देखें पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से, देखें आप तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से 2% से भी ज्यादा की गिरावट आपको दिखा चुका होगा, ठीक है, मोर देन 2%, ठीक है दोस्तों, 2% से भी ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट दिख रही है दोस्तों, उसके पीछे का रीजन क्या है, फ्राइडे को याद होगा आपको यूएस के बाजार बहुत ज्यादा बड़ी बुरी कदर से गिरे थे, और खास करके दोस्तों उसके जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो मेटा हो, उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूएस फेड है जिसकी मीटिंग सितंबर में होने वाली है, वहां को लेकर के प्लस जो यूएस फेड की मीटिंग की मिनट्स निकल के आई है, उसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई हाँ, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो वापस से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दिखा सकता है दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो डॉलर इंडेक्स है वो वापस से मजबूत हो रहा है, जो बॉन्ड यील्ड है दोस्तों वो अपने आप कह सकते हैं वापस से एक मजबूती और दिखा रहा है, और जो कि बाजारों में एक नर्वसनेस बना रही है। और जब यूएस के बाजार गिरेंगे तो आपको पता है एशियन बाजार, भारतीय बाजार भी उनको ही देखते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है हमारे यहाँ, उनमें बड़ी गिरावट हो रही है दोस्तों, ठीक है। प्लस ये जो निफ्टी की गिरावट है, इसके लिए दोस्तों जो 17,500 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर आज बाजार खुलता है और ये 17,000 आज अगर बाजार बंद होता है उसके होने तक, यदि 17,500, ठीक है, 17,500 को अगर ये तोड़ करके नीचे चला जाता है दोस्तों, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है गिरावट। आपको स्टॉक, आपको जो निफ्टी है, ये 17,300 तक भी आने वाले 1 से 2 कह सकते हैं इस हफ्ते तक आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, देखना ये होगा कि ऐसा होता है कि नहीं, क्या बाजार वापस रिवर्सल ले लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार एक्सपायरी आने वाली दोस्तों थर्सडे की, ठीक है, जो इस थर्सडे की एक्सपायरी आने वाली है वो इस मंथ की एक्सपायरी है, तो इस बार दोस्तों या तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और या तो एक कह सकते हैं हल्का सा बेयरिश साइड आपको बाजार होते दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए, इस हफ्ते बहुत सारे इवेंट्स हैं ऐसे जिसपे नजर होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स दोस्तों मजबूत हो रहा है, वो किस तरह आगे बढ़ता है, क्रूड ऑयल के दाम ये अगर गिरते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी राहत हमें मिल सकती है, बाजार थोड़े से रिकवर क्रूड ऑयल के दाम के बढ़ने के कारण हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन निफ्टी 50 में अभी जो गिरावट है दोस्तों, ये कंसर्निंग जरूर है, और इस गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि बाजार को कोई पहली बात तो ट्रिगर नहीं दिख रहा है। और बात करो भारतीय बाजार की दोस्तों, तो आपको बता दूं जून से जो उसने तेजी लगाई थी, वहां से लगभग 18% की जो उसने तेजी दिखाई, ये तेजी दोस्तों इसे एशिया के सबसे महंगे बाजार बना देती थी, तो प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी था। तो देखिए, प्रॉफिट बुकिंग यहां से प्लस फेड का इशू, ये तमाम चीजें कह लीजिए बड़ी गिरावट होते हुए आपको निफ्टी में दिखा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लस आपको पता होगा हर जगह रिसेशन की बातें अलग से चल रही हैं, यूएस के बाजारों में, यूरोपियन बाजारों में, और चाहे वो यूएस के बाजार हो, सब जगह पे आप कह सकते हैं रिसेशन की बातें चल रही हैं, और बाजार
बाजार जो दोस्तों ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है, तो गिरावट होनी लाजमी थी। लेकिन हमारा जो नजर, हमारी जो नजर है वो 17,300 से लेकर के 17,500, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये इसका आपके लिए निफ्टी के लिए भी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म तक कह लीजिए बहुत बड़े सपोर्ट का काम करते हैं। इनके लिए ये आप कह सकते हैं लेवल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर ये ब्रीच होते हैं तो वापस से आपको मुझे लगता है निफ्टी 16,900 से जाने तक कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले हफ्ते में आपको वॉलेटिलिटी जरूर एक्सट्रीम दिखाई देगी और थोड़ा सा मुझे लगता है बियरिश तरफ भी बाजार हो सकता है। और डॉलर प्राइस इंडेक्स किस तरह वर्क करते हैं दोस्तों, ये भी एक पॉइंट रहेगा। और जो आप कह सकते हैं, जो अभी चाइना की भी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट किस तरह बढ़ाता है चाइना, या चाइना किस तरह से डेटा लाता है, अमेरिके से भी कुछ डेटा आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ हमें देखना है कि किस तरह निकल के आते हैं। अगर वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा होते हैं तो वापस से आपको एक सीरीज ऑफ गिरावट, आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ बियरिशनेस आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको, और आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि एक आर्टिकल में ट्रेडिंग हिसाब से कुछ चीज़ें कही गई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देखें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रही, तो देखिए गो शॉर्ट नाउ एंड एक्यूमुलेट शॉर्ट्स एट 17,645, कीप द स्टॉप लॉस एट 17,175 फॉर द टारगेट ऑफ 17,415 की बात कही जा रही है कि भाई ये जो है ना निफ्टी गिरावट में जा सकता है। हाँ, ट्रेल द स्टॉप लॉस डाउन टू 17,560, एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स टू 17,510, मूव द स्टॉप लॉस फर्दर डाउन टू 17,410 एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स एट 17,440। सपोर्ट का है तो देखिए 17,500-17,400 में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो है अभी 17,650-17,700 है। तो इन लेवल्स में आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों, और मुझे लगता है 17,300 के आसपास ये जो 200 का रहेगा ना, 17,300-17,500, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।